तो पूर्व मुख्यमंत्री શંકરસિંહ વાઘેલાએ પણ રાજ્ય સરકાર પર પ્રહાર કર્યા। હાઈકોર્ટે સુઓ મોટો લઈને સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરાવવી જોઈએ। સમગ્ર ઘટનામાં નિર્દોષ લોકોના મોત થઈ ગયા છે। આ મામલે કોઈ પણ જાતનું રાજકારણ ન થવું જોઈએ। આ માનવ સર્જિત ઘટના છે તેવું શંકરસિંહ વાઘેલાએ કહ્યું। જવાબદારને કડક અને ઝડપી સજા મળવી જોઈએ। આ ઘટનામાં ગડગડા થઈને ભાષણ ન કરવા જોઈએ। માનવતાનું રાજકારણ કરવું જોઈએ, મોતનું રાજકારણ નહીં। मोरबी के जिस इलाके में जो दुर्घटना हुई है पुल वाली, वहां पर इस वक्त गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री શંકરસિંહ વાઘેલા खुद मौजूद हैं। सर, आप यहां पर आए हैं, आप कह रहे हैं कि जो हादसा हुआ है ये मैन मेड है, कैसे मैन मेड है? देखिए, ये मैन मेड डिजास्टर है, ह्यूमन एरर से हुआ है। सबसे पहले तो 7-8 महीने के लिए ये ब्रिज बंद किया था। इसके बाद रिपेयरिंग करने के बाद इन्होंने ब्रिज को शुरू करने का निर्णय किया। तो हु रिपेयर्ड इट, ये टेक्निकल चीज़ होती है। रिपेयर कैसे किया, रिपेयर किया तो क्यों टूटा, इसकी टिकट लेते हैं, टिकट के जो भी पैसे होंगे, टिकट में अलाउ करने 25 लोग 50 लोग, तो 500 लोग कैसे अलाउ हुए, हु अलाउड देम के भी जाओ अंदर जाकर मरो। तो जब इंचार्ज जो होता है वो टिकट देता है, तो जब वापस पूरे लोग ना आए उसकी चिंता उसको करनी चाहिए। 500 लोग नाचेंगे कूदेंगे तो मरेंगे। तो ये जो है मैन मेड डिजास्टर, इसमें म्यूनसिपल जो है लोकल नगर पालिका, इन्होंने कहा कि हमको पता ही नहीं है। गवर्नमेंट ने इंक्वायरी बनाई, इसका मतलब कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसमें, गुजरात गवर्नमेंट जिम्मेदार है। और नेता लोग जो मगर के आंसू से रोएंगे, गले से रोएंगे, आंखें से नहीं रोएंगे। 5-6 लाख रुपया दिए, इसे परिवार वाला वापस आने वाला नहीं है। मैन मेड डिजास्टर है, इसकी पूरा एक्शन होना चाहिए, फिर से कहीं गड़बड़ ना हो, ये भी उनको चिंता करनी चाहिए। एक सवाल इसके अंदर बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले कैपेसिटी थी ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों को एक वक्त में यहाँ पे अलाउड किया जाता था, अब जब ये 7-8 महीने के बाद यहाँ पर अचानक से 400 लोगों को यहाँ पर अलाउड कर दिया गया, कोई देखरेख करने वाला नहीं था, कोई कंट्रोल करने वाला लोग नहीं थे यहाँ पर, जो प्राइवेट कंपनी है उसके साथ 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, इतनी ज्यादा गैर जिम्मेदाराना। देखिए, प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन होती है। प्राइवेट कंपनी टेकर फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, इन्होंने नहीं बनाया है ब्रिज, इनके आनंद के, इनकी कमाई के लिए नहीं बना है। अगर बंद था तो पूरा रिपेयर हुआ या नहीं वेरिफिकेशन करना चाहिए। वेरिफिकेशन जिस कंपनी ने रिपेयर किया उसका सर्टिफिकेट चाहिए, वरना वो कंपनी भी मरेगी और जो NGO जिसने लिया है चलाने के लिए, इनको मालूम है कि भाई 15 या 20 या 25 लोगों का कैपेसिटी है इसकी, 500 लोग आपने लोगों ने क्यों अलाउ किया, यू आर रिस्पॉन्सिबल। ये पैसे कमाने का साधन नहीं है, यानी कि 500 लोग जाएंगे तो नेचुरली टूटेगा ये ब्रिज, कैपेसिटी के बाहर का हो गया, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है ये सब। प्राइवेट कंपनी का अपनी यहाँ खामियां निकल के आ रही हैं, लेकिन सरकारी रवैया आपको लगता है बहुत गैर जिम्मेदाराना है? गैर, गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। गवर्नमेंट गले से रोएगी, आंख से नहीं रोएगी, नाटकबाजी होगी, लोग मरते हैं इनकी गड़बड़ से। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सीधी जिम्मेदार है इसके लिए। अगर गवर्नमेंट ने इन्होंने जो कमेटी बनाई, कमेटी को क्या निकलना है, कोई मर गए वो लोग वापस आने वाले हैं क्या? कहाँ कमेटी, आकर देखिए, कमेटी की जरूरत नहीं है, यहाँ ड्रामाबाजी है सब। सूबे के मुख्यमंत्री 2 बार यहाँ आ चुके हैं, कल रात को भी आए थे, आज ही भी यहाँ पर हैं, गृह राज्य मंत्री खुद यहाँ पर आकर बैठे। आने से मर गए लोग वापस नहीं आने वाले, जिस परिवार का आदमी या बहन या बच्चा गया वो वापस आने वाला नहीं है, ये देखना चाहिए। मजाक का साधन नहीं है ये, पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, वोट लेने का साधन नहीं है। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनकी निगरानी में एक यहाँ पर जांच होनी चाहिए। अलग बात है, इन्होंने किया अच्छी बात है, लेकिन मैं हाईकोर्ट से सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। गुजरात हाईकोर्ट के जजीज, चीफ जस्टिस जो भी है, यहाँ इनका नुमाइंदा भेजे, देखे यहाँ, और सुओ मोटो इनके ऊपर 302 लगना चाहिए, 304 या 306-307 नहीं, बिल्कुल 302 लगना चाहिए। कंसर्न जो भी है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ गुजरात अथॉरिटी। शुक्रिया मुझसे बात करने का। શંકરસિંહ વાઘેલા गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिलहाल यहाँ पर इस जगह का दौरा करने आए हुए थे। साफ तौर पे कह रहे हैं कि सिर्फ प्राइवेट पार्टी ही जिम्मेदार नहीं है, सरकार के अधिकारी, सरकार के वो तमाम लोग जिनकी जिम्मेदारी इसके ऊपर बनती थी वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इसके अलावा हाईकोर्ट जो है उसको सुमोटो लेना चाहिए, और सुमोटो लेकर इस पूरे मामले की जाँच गुजरात हाईकोर्ट को करनी चाहिए। कैमरा पर्सन नरेश मित्तल के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया,